वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज वीडियो। पिछली दो वीडियोस में हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी 2016 क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 25 फर्स्ट पार्ट में और 25 सेकंड पार्ट में। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज ड्यू टू। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है लेकिन ये लिखा हुआ है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों होती है? ऑप्शन ए है माइटोसिस एंड मियोसिस, ये रॉन्ग है। बी फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस, सी फर्टिलाइजेशन एंड माइटोसिस, डी फर्टिलाइजेशन एंड ए माइटोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस, क्योंकि मियोसिस में ही जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है प्रोफेज वन में। क्वेश्चन नंबर 52, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए इज, ऑप्शन ए पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी मोनोसिस्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी मल्टीसिस्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मतलब जो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए होता है उसमें एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन्स होते हैं। सिस्ट्रॉन्स मीन एमआरएनए का वो पार्ट जो कि आगे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज बेस्ट फॉर द स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस स्टडी करने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप बेस्ट होता है? तो ये होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 54, अ वायरस कंटेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज। ऐसा वायरस जो एमआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है आगे डीएनए बनाने के लिए। डीएनए, पहले डीएनए का एक स्टैंड बनेगा और उसको टेम्पलेट मान करके फिर दूसरा स्टैंड। तो ऐसे जो वायरस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एडीनो वायरस, बी पोलियो वायरस, सी पॉक्स वायरस, डी रिट्रोवायरस। तो डी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिट्रोवायरस, क्योंकि रिट्रोवायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब एमआरएनए के ऊपर डीएनए बनाया जाएगा। एक होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इसमें क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर डीएनए बनाया जाता है, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होता है रिट्रोवायरस में। इसका एक एग्जांपल भी है एड्स, जो एड्स का वायरस होता है एचआईवी, वो एक रिट्रोवायरस है और इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डीएनए बना देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी रिट्रोवायरस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी अजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ऐसा फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, ऐसा बैक्टीरिया जो फ्री रहता हो और साथ में
एरोबिक हो और नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, तो वो कौन सा है? इसमें क्लॉस्ट्रिडियम फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग, लेकिन ये एनएरोबिक होता है, एनएरोबिक। दूसरा है राइजोबियम, राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं होता है, ये सिम्बायोटिक होता है फ्रूट नोड्यूल्स में, फ्रूट नोड्यूल्स के साथ। और एजोटोबैक्टर, ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये फ्री लिविंग होता है और साथ में एरोबिक भी होता है, एरोबिक। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होती है ये तो फिक्स ही नहीं करती है नाइट्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एजोटोबैक्टर, जो कि फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला है मैं। टर्म प्लाज्मोडेस्माटा वॉज गिवन बाय, तो इसका आंसर है स्ट्रेस वर्कर। तो स्ट्रेस वर्कर कहाँ है? ऑप्शन ए डी ड्यूबे, बी पोर्टर, सी लीवन हॉक, ऑप्शन डी इज स्ट्रेस वर्कर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेस वर्कर। क्वेश्चन नंबर 57, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? ऑप्शन ए इन्वर्टेड, बी अपराइट, सी इरेगुलर, डी ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपराइट, कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद होते हैं फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर होते हैं उससे कम होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर सबसे कम, तो ये हो गया अपराइट। इसके बाद है क्राउन गोल डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय, क्राउन गोल डिजीज, तो ये जो डिजीज है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, जिसमें कि प्लांट्स में ट्यूमर हो जाते हैं, तो ये होता है टी आई प्लाज्मिड से, टी आई मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग और प्लाज्मिड प्लाज्मिड, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है वो प्लांट्स में क्राउन गोल डिजीज कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 59, फोस्फोलिपिड्स आर, फोस्फोलिपिड्स कैसे होते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबॉलिक, बी हाइड्रोफोबिक, सी एम्फीफेटिक, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो एम्फीफेटिक होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही एंड होते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीफेटिक बोल देते हैं, मींस टू टाइप ऑफ चार्ज होता है इसमें, जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक और जो हेड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 60, इन जीन इंट्रैक्शन द जीन विच हैज मार्किंग इफेक्ट इज कॉल्ड, जब बोला टू दो जीन की इंट्रैक्शन होगी तो उसमें जो मार्किंग जीन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए कोडोमिनेंट जीन, ऑप्शन बी रिसेसिव जीन, ऑप्शन सी हाइपोस्टैटिक जीन, ऑप्शन डी एपिस्टैटिक जीन। तो एपी मीन्स होता है अबव, तो जिसका मार्किंग इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, 60 का आंसर ऑप्शन डी एपिस्टैटिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूट्रोमाइसिटीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई एज, जो ड्यूट्रोमाइसिट्स है उनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है? ऑप्शन ए नो माइसीलियम, ऑप्शन बी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी दे हैव नो सेल वॉल, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसलिए इन्हें
फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है या इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, वॉकिंग फर्न को वॉकिंग फर्न क्यों बोला जाता है। तो वॉकिंग फर्न जो है वो कॉमन नेम है एडियंटम का, एडी एन टम। तो एडियंटम को बोला वॉकिंग फर्न, या वॉकिंग फर्न को वॉकिंग फर्न क्यों बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है, इट इज नोन हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ। नहीं, एक इनकरेक्ट आंसर है ऑप्शन है। ऑप्शन बी इट प्रोपगेट, ऑप्शन बी इट प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स। ऑप्शन सी इट्स स्पोर्स आर एबल टू वॉक। ऑप्शन डी डिस्पर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो वॉकिंग फर्न है वो जिस जगह पे लीव टिप्स जो है वो अर्थ के साथ टच करेंगी, वहां से वो एक और प्लांट प्रोपेगेट कर देंगी। जैसे ही कोई, मान लीजिए ये कोई लीफ है ये किसी एडियंटम का लीफ है, तो इसके टिप जहां पर अर्थ सरफेस को टच करेगी वहां से एक नया प्लांट प्रोपेगेट हो जाएगा। तो इसलिए इसे वॉकिंग फर्न बोलते हैं एडियंटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलाल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गुलाल कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड किया जाता है। ऑप्शन ए सेजल पिनिया सैपन, ऑप्शन बी सारा का इंडिका, ऑप्शन सी तारा तमरिंदस इंडिका, ऑप्शन डी बोहिनिया वेरीगाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेजल पिनिया सैपन, इसी से गुलाल बनता है, इसी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन टिपिकल मोनोकोट रूट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो जो रूट्स होते हैं उनमें एपिब्लेमा होती है इंस्टीड ऑफ एपिडर्मिस, तो सबसे पहले आ जाएगा एपिडर्मिस। तो देखते हैं एपिडर्मिस या एपिब्लेमा सबसे पहले किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में पेरिसाइकल है, वे तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी में है एपिब्लेमा, लेकिन दूसरे नंबर पर है एंडोडर्मिस, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में एपिब्लेमा है, फिर कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। तो यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहले एपिडर्मिस होगी, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकल फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिवीजन लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी किस तरह की डिवीजन की वजह से होती है। ऑप्शन ए एंडोमाइटोसिस, बी मियोसिस, सी अमाइटोसिस, डी क्रिप्टोमाइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है कि जब माइटोसिस होती है तो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है और क्रोमोसोम्स जो है वो पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं आफ्टर डिवीजन, क्योंकि ये दो सेल्स में डिवाइड नहीं हो पाते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होती है। सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन नॉर्मल कंडीशन पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होती है और फिर क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं और एक सेल से दो सेल बनते हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ एंडोमाइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही धुंधला है तो ये नहीं दिख पा रहा है, सॉरी फॉर दैट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, जंपिंग जीन्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन
इसका करेक्ट आंसर है मेज, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है मेज। मेज में पहली बार जंपिंग जीन्स डिस्कवर किए जाते हैं, किए गए थे। जंपिंग जीन्स वो जीन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह डीएनए में जंप कर सकते हैं। इनको ट्रांसपोजोन भी बोलते हैं, ट्रांसपो जोन, इसको जंपिंग जीन। या इनको मोबाइल एलिमेंट्स या मोबाइल जीन्स भी बोलते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। फॉसिल्स ऑफ विलियम सोनिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जो विलियम सोनिया के फॉसिल डिस्कवर्ड हुए हैं, विलियम सोनिया। ये एक प्लांट था इन पास्ट जो कि साइकस की तरह दिखता था। लाइक किसने डिस्कवर किया था, तो ये किया था बीरबल साहनी ने। तो ऑप्शन सी में है बीरबल साहनी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बीरबल साहनी ने ये डिस्कवर किया था राजमहल हिल्स में, राजमहल हिल्स जो कि है झारखंड में, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूल्स आर नेक्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, जो जिम्नोस्पर्म है उनमें ओव्यूल नेक्ड क्यों होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेक्ड होते हैं क्योंकि उनमें ओवरी अब्सेंट होती है, ओवरी अब्सेंट, इसलिए उनमें फ्रूट नहीं बनता है और फ्रूट नहीं होता है। तो उनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। ओव्यूल्स मीन्स ओव्यूल से ही सीड्स, सीड्स जो होते हैं वो इनके नेक्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन इज अब्सेंट, नो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी ट्रू कार्पेल्स आर अब्सेंट, ऑप्शन सी आर्किगोनिया आर अब्सेंट, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म इज अब्सेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रू कार्पेल अब्सेंट, क्योंकि कार्पेल का पार्ट होता है ओवरी, कार्पेल, ट्रू कार्पेल एब्सेंट होती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। एबनॉर्मल स्कैनरी ग्रोथ अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन है ड्रेसिना, ऑप्शन बी कुकरबिटा, ऑप्शन सी हॉर्डियम, ऑप्शन डी सनफ्लावर। तो ये ड्रेसिना है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, क्योंकि ड्रेस जो स्कैनरी ग्रोथ है वो नॉर्मली डाइकोट्स में होती है, लेकिन ड्रेसिना जो है वो एक मोनोकोट है, मोनोकोट, लेकिन ये स्कैनरी ग्रोथ शो करता है, तो इसको एबनॉर्मल स्कैनरी ग्रोथ बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ड्रेसिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। इन म्योसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स इन ड्यूरिंग, जो मियोसिस होती है उसमें जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो कब डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज टू, ऑप्शन डी मेटाफेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनाफेज टू, ऑप्शन हो गया सी। इन मियोसिस जो सेंट्रोमियर हैं वो एनाफेज टू में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका आंसर है जॉनसन, जो कि ऑप्शन ए पे ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ फंजाई इंक्लूड क्लब फंजाई, तो इसका आंसर है बेसिडियोमाइसिट। ऑप्शन ए डिट्रोमाइकोटा, ऑप्शन बी बेसिडियोमाइकोटा,
ऑप्शन सी जाइगोमाइकोटा, ऑप्शन डी एस्कोमाइकोटा। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेसिडियोमाइकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इलेटस मैकेनिज्म फॉर सी डिस्पर्सल इज एग्जिबिटेड बाय, जो सी डिस्पर्सल के लिए इनमें से किसमें इलेटर मैकेनिज्म होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्केशिया, बी रिक्सिया, सी फ्यूनेरिया, डी ड्रायोप्टेरिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज मार्केशिया। मार्केशिया में इलेटर्स होते हैं जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। सीड्स मीन्स स्पोर्स, यहाँ पर सीड स्पोर्स के लिए है ये चीज, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। व्हाई ट्रस्ट ऑफ डिजीज इन क्रूसीफरी फैमिली इज कॉज्ड बाय, तो ये होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से। तो ऑप्शन ए में ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है, जो क्रूसीफरी फैमिली है, जैसे कि ब्रासिका हो गया, कैबेज हो गई, और तो क्रूसीफरी फैमिली के जो मेंबर है उनमें एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो व्हाइट रस्ट कॉज करता है। 75 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।